हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है मुंबई में हमारा तीसरा दिन और आज हम लोग जाएंगे आरामनगर। पहले मैं सोच रहा था कि इसका नाम है रामनगर, लेकिन बाद में पता लगा कि इसका नाम है आरामनगर। और वहाँ पे मेनली कास्टिंग वगैरह और ऑडिशंस वहीं होते हैं, तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से ऑडिशंस होते हैं और जो भी वहाँ का माहौल है वो आपको दिखाएंगे हम वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आरामनगर। तो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं आरामनगर जाने के लिए और हम रास्ते में हैं और आगे से फिर हम लोग बस लेंगे फिर जाएंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आराम नगर में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ बने हैं ऑडिशंस के लिए और यहाँ पर लगभग काफ़ी ऑडिशन स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर इंट्रो शूट होते हैं और भी ऑडिशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा ओपन माइक प्रोग्राम्स भी होते हैं यहाँ पर और कुछ जगहों पर प्ले भी चल रहे हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर। ये बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो भी ड्रामा या कोई शॉर्ट फिल्म अभी जो आने वाली है वो सब। तो दोस्तों, हम खड़े हैं अभी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग स्टूडियो में और अभी हमने एक इंट्रो दिया है यहाँ पे। तो अभी हम मुकेश छाबड़ा जी से मिले हैं और हमने एक छोटा सा इंट्रो भी दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आप देख सकते हैं कितनी शानदार पेंटिंग्स की गई है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम अभी आ गए हैं वर्सोवा बीच पर। बहुत धूप है यहाँ पर और गर्मी भी है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं बीच पर। तो दोस्तों, हम अभी वर्सोवा बीच पर। बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी शानदार लहरें आ रही है किनारे तक। नहीं नहीं इसको आता नहीं है। अभिषेक सर कुछ बोलिए ना व्लॉग में। कैसा लग रहा है? हाँ तो सेनापतियों, क्या खबर है? खबर तो बहुत बुरी है, हमारा सेनापति भाग गया है। तुम्हारा सेनापति भाग गया है, इसीलिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तैयार हो? तुम्हारी तलवार निकालो और हम हिंदुस्तान को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। होटल में रह गई तलवार, होटल में रह गई तो अब क्या बोले अब आपको। तो किसी नए सेनापति को नियुक्त किया जाए। बाहुबली बुलाए हैं हम सर।
ये नजारा का खट्टा। तो दोस्तों अब वर्सोवा बीच पर हम पियेंगे काला खट्टा, क्योंकि जहाँ भी जिस भी बीच पर हम लोग जाते हैं वहाँ पे एक ऐसा ठेला जरूर लगा होता है जहाँ पे काला खट्टा लिखा होता है, इसलिए हमने सोचा कि आज ये तो जरूर पी लें। अरे वाह क्या बात है भैया, क्या शानदार आवाज है इस सोडा खोलने की। अरे क्या बात है, काला खट्टा तैयार। और अशोक भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा बिजनेस आइडिया काला खट्टा का एक फ्रेंचाइजी गंगानगर में लेने का, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक समुद्र पहले बनाया जाए गंगानगर में, तो उसके लिए अशोक भाई जगह देख रहे हैं, 3-4 प्रॉपर्टी डीलर्स को कॉल किया इन्होंने। और ये आ गया काला खट्टा, और जो स्ट्रॉ है ये स्ट्रॉ। अरे वाह भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम भैया? जयप्रकाश जी हैं ये, जो वर्सोवा बीच पर काला खट्टा का काम करते हैं। और ये काला खट्टा इतना टेस्टी है, अगर आप मुंबई आए और वर्सोवा बीच पर आए तो यहाँ आना मत भूलिए। हाँ काला। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सिंटा के ऑफिस में जहाँ पर बनते हैं आर्टिस्ट कार्ड। तो जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे कुछ फिल्मों में या सीरियल्स में काम कर लेते हैं उसके बाद वे एलिजिबल हो जाते हैं सिंटा कार्ड बनवाने के लिए। ये आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड होता है जिससे कि आर्टिस्ट को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अभी हमारे जो हमारे साथ में जो एक्टर हैं विजय जोरा जी, गंगानगर के बहुत पुराने एक्टर हैं और बहुत पुराने थिएटर आर्टिस्ट हैं और फिल्मों में उन्होंने काफ़ी काम किए, तो उनके कार्ड के रिन्यूअल के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये आगे कार्तिक बिल्डिंग जिसमें सिंटा का ऑफिस है। तो ये दोस्तों सिंटा का ऑफिस 221 में। ये 221 सिंटा ऑफिस। तो दोस्तों जो भी हमारे बड़े एक्टर्स आर्टिस्ट जो सिंटा में प्रेसिडेंट रहे हैं ये सभी उन्हीं के नाम हैं। इसमें जॉनी लीवर साहब, मिथुन चक्रवर्ती जी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके नाम हैं आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंटा का ऑफिस, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट एंड सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं कैफे ईरानी पर, ईरानी चाय पीने, और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया मैगी। तो मैगी बहुत ही शानदार लग रही है। तो एक ऑटो वाले भैया हमको पीवीआर ले जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये धुआंधार गति से जा रहे हैं, और ये ऑटो के साथ में ऑटो बहुत ही, इनकी जो ड्राइविंग है वो मुझे बहुत ही पसंद आई। अभी नोट कर लीजिए जब कोई आए स्पेशल। और ये मीटर तेज गति से दौड़ता हुआ, बहुत ही शानदार नजारा मुंबई का नजारा, वो भी आपने देखा नहीं पीछे निकल गया था। तो ये क्या है, अशोक भैया की मजाक करने की बहुत आदत है, बहुत मजाक करते हैं। तुम मुझे बहुत अजियत, मैं इतना मैं पूछ ही मत भाई साहब, हंस हंस के पागल हो जाते हैं। जब हम मुंबई से वापस अपने शहर को जाएंगे तब तक हमारा एक दो यूनिट बन चुका होगा, बात की गारंटी। और लोग चलाना डॉक्टर ने ली है। और जितना मैं पैदल चल रहा हूँ उस हिसाब से मुझे मेरा 5 किलो वजन भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद यार पैदल नहीं चलेंगे तो फिर स्ट्रगलर क्या बने, क्योंकि मैंने आने से पहले यही बोला था कि अब 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगलर की लाइफ जिएंगे, क्योंकि इस तरीके से चलते हैं। और ये बहुत पैदल चलवा रहे हैं मुझे। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पीवीआर में। तो दोस्तों ये है सिनेपोलिस, यहाँ हम देखने आए हैं मूवी। तो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ के पोस्टर लगे हैं यहाँ पर, और हम लोग जा रहे हैं आज देखने दृश्यम 2। दृश्यम 1 हमने देखी हुई है, और उसमें जो गाड़ी घूमती है वो 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के आसपास घूमती रहती है, तो उसी का भी नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये आ गए हम सिनेपोलिस में।
ये दोस्तों टिकट काउंटर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मूवी देखने। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ। तो दोस्तों हम आ गए सिनेपोलिस में। दृश्यम आप पोस्टर देख सकते हैं दृश्यम का, इंटीरियर बहुत ही अच्छा है सिनेपोलिस का। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब सिनेपोलिस हॉल में, एंटर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार स्क्रीन। सीट नंबर है अपनी H2342। तो दोस्तों हम आ गए हमारी सीट पर। आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हम पर हाथ भी उठाया, ठीक है। फिर भी हमने कोऑपरेट। तो फाइनल दोस्तों फिल्म खत्म हो गई है और दृश्यम 2 बहुत ही शानदार मूवी है, जरूर देखने जाइएगा। और इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बीच में गाड़ी घूमती है सारी। तो बहुत ही शानदार मूवी थी, स्क्रिप्ट बहुत शानदार थी और मूवी खत्म हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही काफ़ी टाइम बाद इतनी शानदार मूवी देखी है। तो जरूर देखने जाइएगा दोस्तों दृश्यम 2। तो ये है फन रिपब्लिक इन्फिनिटी मॉल के पास में। मैकडोनल्ड्स आ गया और ये सी नोनास, बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही शानदार मॉल है ये। तो दोस्तों ये हमने मंगवाया है गार्लिक ब्रेड और हम बैठे हैं सी नोनास, आप देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार है ये गार्लिक ब्रेड, इससे पहले भी हमने ये ऑर्डर की थी और हमें बहुत अच्छी लगी तो हमने इसे दोबारा ऑर्डर किया है। तो दोस्तों ये मेरे पीछे है सी नोना, जहाँ पे हमने अभी गार्लिक ब्रेड खाया है। तो बहुत ही शानदार थी गार्लिक ब्रेड। आप जब भी मुंबई आएँ तो इन्फिनिटी मॉल के पास में है फन रिपब्लिक, तो वहाँ पर इसका स्टोर है, तो ज़रूर आइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मूवी देखकर हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, बहुत मज़ा आया। हम वर्सोवा बीच गए और काफ़ी जगह गए, तो वो सब आपको व्लॉग में मिल जाएगा। और हमने डिनर कर लिया है और जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, और कल देखते हैं कहाँ जाना होता है हमारा।